हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 12th, आप लोगों को फंक्शन आया समझ में? आप लोग ने मेरे को बोला था कि सर अल्टरनेट पढ़ाओ, मेरे को कोई नहीं है, लेकिन अल्टरनेट में ठीक है आप लोगों का, फिर आलसी बन जाओगे और कुछ नहीं। जितना आपका बेनिफिट मिले, जितना आप बेनिफिट उठा सको उठा लो, क्योंकि कोर्स जल्दी देखो, अपना टारगेट याद रखो, अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई जून जुलाई अगस्त, मैक्सिमम अगस्त तक हम कोर्स, मैं चाहता हूँ मैं ख़त्म कर दूँ। एक बार अगस्त तक कोर्स ख़त्म हो जाए ना बेटा आप लोगों का अगस्त, तो सितंबर अक्टूबर में अपनी एक बार रिवीजन कर लेंगे, पूरा बैक रिवीजन, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा पेपर सॉल्विंग, फिर फाइनली पेपर सॉल्विंग करेंगे तो थोड़ा आपके स्पीड जनरल आइडियाज़ आएंगे, और उसका जनवरी फरवरी में बैक रिवीजन, फिर क्योंकि स्कूल में बोर्ड चालू हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो आप लोगों के पास टाइम कम मिलेगा, एक प्लानिंग से करना जरूरी है। तो कोशिश करेंगे कि अपने अगस्त एंडिंग तक कर दें, और जिससे आप अगर जितना हम लेट जाएंगे उतना हमारे लिए पीछे पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं करा रहा हूँ, लेकिन आपका थोड़ा सा टॉपिक हो, ज़्यादा हुआ ही नहीं, अभी दो ही चैप्टर हुए हैं आपके, टोटल 13 चैप्टर सर दें। अब 13 में भी दो चैप्टर देखो, अब अप्रैल भी ख़त्म ही होने वाला है, तो अब मेरा था टारगेट कि हर मंथ में 3-3 चैप्टर का टारगेट लिया जाए। देखो मई में 3-6 हो गए, जून में 6 हो गए, 9 चैप्टर हो गए, जुलाई में 12 और 13, आराम से मतलब फिर अपना अगस्त तक हो जाएगा, अगर हम एक मिनिमम टारगेट से चलें, क्योंकि स्कूल में टेस्ट वेस्ट भी होंगे तो तुम लोग बीच में रखोगे, लेकिन अभी कोशिश करो, अगर आपको बोर्ड में टॉप करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो एक फ्रीक्वेंसी के साथ चलो, क्योंकि बहुत से बच्चों ने निफ्ट इसकी भी तैयारी करनी है, बहुत जेई की तैयारी, क्योंकि आपको पता है जनवरी के फर्स्ट वीक में जेई का एग्ज़ाम आएगा, जेई मेन का, फिर उसके लिए आप प्रिपरेशन के लिए आपको 15-20 दिन पहले चाहिए, और आपका 12th तैयार है तो सिर्फ 11th का तो मैं रिवाइज कराऊंगा पूरा बैक रिवीजन, वीडियोज़ दे रहा हूँ कॉम्पिटिटिव के, तो वो जेई वाले भी तैयारी करना चालू कर देंगे, जो निफ्ट हैं डिज़ाइनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट ही हो जाता है उनके भी, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा अगर कोर्स जल्दी ख़त्म हो गया। NDA के एग्ज़ाम वालों के लिए भी, अगर 12th ख़त्म हो गया तो NDA के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी लग जाएंगे, तो ये हमारे कुछ फ़ायदे हैं जल्दी कोर्स ख़त्म करने के, इसलिए आपका सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, देखो मेरे को तो कोर्स कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अपनों का कैरियर बनाना है, मेरे को अपने वो नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आपका कोर्स टाइम से ख़त्म करना, प्रिपरेशन कराना, आपके वीक पॉइंट, ऐसा नहीं कोर्स ख़त्म हो गया कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, रिविज़न कराना, पेपर सॉल्विंग कराना, स्पीड वर्कशीट देना, तो आपकी क्या प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आप कहीं जाके खुल के ओपनली आप अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करेंगे। और मेरा ये टारगेट है कि मैक्सिमम बच्चे 90 क्रॉस करें, 90-95 100 आउट ऑफ 100 आए, अगर वीक बच्चा भी है तो मोर देन 80 प्लस कर दे तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट हो। चलो वी विल स्टार्ट विद न्यू कंसेप्ट, जो हमने लास्ट टाइम फंक्शन किया था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 1-to-1 फंक्शन जिसको इंजेक्टिव कहते हैं, कैसे प्रूव करना है उसका मेथड बताया। अब मेरा सेकंड कंसेप्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू होता क्या है, ऑन टू और इन टू ये दो कॉन्ट्राडिक्शन फंक्शन है, एक अगर ऑन टू होगा तो वो इन टू नहीं होगा, इन टू होगा तो वो ऑन टू नहीं होगा, ये दो चीज़। तो ऑन टू फंक्शन क्या, वो आप समझ लेते हैं, ऑन टू फंक्शन देखो, पहले ऑन टू समझते हैं, ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, देखो ऑन टू का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं यहां लिखूं fx=y, जैसे अगर एक फंक्शन है x2y दिया, fx का मतलब होता है, fx क्या होता है, रेंज, y होता है को डोमेन, अगर आपका जो पूरा को डोमेन, जैसे ये डोमेन सेट है, ये को डोमेन, ये पूरा y सेट है, अगर ये पूरा का पूरा रेंज बन जाए, fx हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड, वी कॉल इट ऑन टू फंक्शन, ठीक है समझ में? ऑन टू का मतलब है कि इसके सारे मेंबर इसकी रेंज है, यानी को डोमेन के जितने भी मेंबर हैं सब इसकी रेंज है, मेंबर ऑफ को डोमेन, member of codomain
set a range of डोमेन सेट, तो हम कहेंगे ये फंक्शन हमारा आ गया ऑन। कहने का मतलब जब हम इसको कर रहे हैं, जब दो भी एक को दे रहे हैं, टू हो या वन वन हो, कुछ भी हो, कुछ भी इसमें बच नहीं रहा है, तो ये ऑन टू है। अगर कुछ बच रहा है, यानी वाई जो है एफ एक्स है वो इसका सबसेट है भाई, मतलब पूरी तरह इक्वल नहीं होगा, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड इन टू फंक्शन। इन टू का मतलब है कि आप जब अरेंज कर रहे हैं एक्स टू वाई जा रहे हैं, आपने ये से इसको किया वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, तो एक मेंबर इसमें बच गया, एक या एक से ज्यादा मेंबर बचे हैं, तो ये इन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब ये बिल्कुल याद रखना कि एफ एक्स पूरा कोडोमेन जो रेंज है इसका वो पूरा कोडोमेन सेट में जाए। अगर पूरा रेंज कोडोमेन नहीं बन रहा, कुछ मेंबर ऐसे जो रेंज नहीं बन पा रहे हैं, तो वी कॉल इट इन टू फंक्शन। और जो ऑन टू है दैट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि सपोज आपका एक फंक्शन है एफ एक्स टू एक्स, क्लियर हुआ, फंक्शन है हमारा नेचुरल टू नेचुरल, यानी हमने डोमेन सेट में नेचुरल रखे, कोडोमेन में नेचुरल रखे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये फंक्शन है 2x का। अब रेंज आपको पता है, ये रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, अगर ऑन टू देखना है तो 1 इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब 2x, तो x क्या हुआ 1/2, और x किसका मेंबर इसका, तो 1/2, तो x equal to 1/2 and 1/2 is not member of first set, domain set का member नहीं है, यानी fx जो x है वो इसमें कोई भी ऐसा जो 1 है वो किसी के range नहीं बन रहा है, therefore fx is not equal to 1, यानी fx 1 नहीं हो सकता क्योंकि उसका जो domain half इसमें नहीं मिल रहा है, therefore कुछ ऐसे member है 1 है 3 है odd numbers हैं, जैसे ऑड नंबर है वो कभी इवन, क्योंकि ये 2x का मतलब ये था इवन, और ये ऑड नंबर कभी इवन हो नहीं सकते, तो इसका ये सब इसकी इमेज नहीं बन पा रहा, रेंज नहीं बन पा रहा, तो हम लिख सकते हैं 1, 3, 5 ऑड नंबर आर नॉट एफ एक्स, मतलब वो सब जो हैं वो एफ एक्स नहीं, रेंज नहीं है, 2x नहीं, इवन नहीं है, देयरफॉर ये आपका ऑन टू नहीं, क्योंकि कुछ मेंबर इसमें बच रहे हैं। चलो ये तो चलो वन टू का मतलब हो गया, लेकिन वन टू प्रूफ करने का मेथड जब भी करना है तो आपको ये चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो वन टू, नहीं हो रहा है तो नॉट वन टू, क्लियर हुआ। अब इसको चेक करने के लिए हमको एक एग्जांपल लेते हैं कि वन टू चेक करना, अगर वन टू नहीं हुआ तो समझ लें वो इन टू फंक्शन, ये तो आपने ओरली चेक कर लिए, अब हम वो चेक करते हैं, ठीक है, जैसा अभी आपने लिखा fx एक फंक्शन हमने लिया 2x plus 3, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, हम रियल टू रियल का कोई एक एग्जांपल लेकर हम उसके ऊपर ऑन टू चेक करना चाहते हैं। अब ऑन टू चेक करने के लिए दो, सबसे पहले ऑन टू चेक करने के लिए आप क्या मानो एफ एक्स आपका वाई है, एज्यूम किया कॉन्ट्राडिक्शन के लिए वाई एफ एक्स का वैल्यू 2x plus 3, मतलब ये सारे कोडोमेन के मेंबर हैं, तो x हमने निकाला y minus 3, तो x हुआ y minus 3 upon, फिर ये आपका मान लिया ये जो x आया ये आपका एक डोमेन का मेंबर है, अब डोमेन का मेंबर उठा के हमने डोमेन में पुट किया एफ एक्स, x की जगह हमने पुट किया y माइनस जो डोमेन है ये उठा कर हमने फंक्शन में पुट किया, फंक्शन में 2x plus 3, 2x plus 3, x की जगह हमने पुट किया y माइनस 3 अपॉन 2 plus 3, 2 2 कैंसिल y माइनस 3 plus 3 y आ गया, यानी fx पूरी तरह से
इक्वल टू वाई आ गया, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन। क्लियर हो गया। अगर हम दूसरा देखते हैं, अगर 2x का लेते तो 2x केस में y x का वैल्यू y बाई टू, लेकिन y बाई टू आपका नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो वो उसमें मिल नहीं रहा, तो उसके आगे हम बढ़ ही नहीं है, वो डोमेन ही नहीं, तो हम उसकी रेंज कैसे, डोमेन होगा तो रेंज तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन वो रेंज डोमेन इसलिए रेंज नहीं। तो कभी भी आपको अगर ऑन टू चेक करना है तो एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना कि एफ एक्स इक्वल टू वाई। उसको करने के लिए पहले एफ एक्स को वाई मान लो, एफ एक्स टू एक्स प्लस थ्री, यानी ये रेंज है और वाई आपका कोडोमेन है, तो हमने इसमें से डोमेन का वैल्यू निकाला वाई के फॉर्म में, तो उठा के हमने रेंज, इससे हमने रेंज निकाला एक्स के, ये पुट किया और ये हमारा फंक्शन है टू एक्स प्लस थ्री, एक्स से अपने वाई माइनस थ्री पॉइंट टू, उससे हमने देखा कि वाई आ रहा है। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है तो दिस इज ऑन टू, अगर नहीं आ रहा है तो दिस इज नॉट इन टू फंक्शन, ऑन टू नहीं फंक्शन। तो ये आपका है ऑन टू कैसे चेक करना। चलो अब ऑन टू तो आ गया समझ में चेक करना, आपको वन वन चेक करना आया। अब क्वेश्चन आता है अगर कोई भी फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को स्पेशल नाम हम देते हैं, वो नाम क्या है, तो मैं वो बता देता हूँ। कोई भी फंक्शन जो बोथ वन टू वन है और साथ साथ ऑन टू भी है, ऑन टू भी फंक्शन दोनों एक साथ है, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो वन वन भी है ऑन टू भी है, दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन को हम कहते हैं इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब इसको इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे आपने ये लिखा f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, यहां पर आप देख लो वन टू वन आ रहे, x1 x2 x3, f ऑफ x1 f of x2 f of x3, तो ये देखो 1-1 भी है और on2 भी है, तो अब रिवर्स में जाएंगे तो f इनवर्स फ्रॉम b टू a, तो ये इनवर्टिबल हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a, ये आ गया आपका इनवर्टिबल। मतलब जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा दैट फंक्शन इज ऑलवेज इनवर्टिबल। अब हमें पहले बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव कभी भी कोई फंक्शन प्रूफ करना है तो उसको वन वन पहले प्रूफ करो फिर ऑन टू। कोई एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करता हूँ और फिर उसका इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो हम बता रहे हैं। तो जैसे अभी एक टेक्स्ट बुक से हम कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपको, अभी मैंने आपको एक इवन वाला फंक्शन बताया था उसको डिस्कस करते हैं। ये फंक्शन हमारा एफ एक्स, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू दोनों देख रहे हैं। फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं वन टू वन के, वन टू वन के लिए मैंने बताया था पहले f of x1 equal to f of x2 जो कि मेंबर है आपके रियल नंबर के, f of x1 और 2 of x1 is equal to 2 of x2, 2 2 cancel x1 equal to x2, which are member of domain set, therefore f is 1 to 1 function,
ये हमारा वेरिफिकेशन हो। अब हमने सेकेंड केस किया ऑन टू फंक्शन, जिसको सब्जेक्टिव कहते हैं, याद रखना ऑन टू फंक्शन। इसमें आपने पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई आपका दिया है, एफ एक्स आपको दिया है 2x इक्वल टू वाई, तो आपका जो डोमेन है वो y बाई टू के फॉर्म में आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसकी रेंज y बाई टू, क्योंकि y बाई टू ने हाफ करेंगे किसी भी, आपको पता है ये y जो फंक्शन है पूरा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का अगर हम हाफ करें, ये रियल नंबर है, रियल नंबर का हाफ करें तो रियल ही रहेगा, रियल डिवाइड बाई रियल इज जीरो, तो ये रियल नंबर है। अब इसको उठाकर हमने पुट किया इधर टू फंक्शन, x की जगह y बाई टू पुट किया, टू टू कैंसिल y, यानी हमारा जो y है वो नेचुरल नंबर आ गया, तो देयर फॉर एफ एक्स इक्वल टू y, यानी पूरा का पूरा जो फंक्शन है आपका और एफ एक्स इक्वल टू y प्रूव हो गया, यानी पूरा रेंज आपका कोडोमेन सेट के इक्वल आ गया, देयर फॉर एफ एक्स इक्वल टू 2x real to real, f from real to real is bijective, यानी 1 1 and on 2। हाँ, अगर इसी की जगह ये function natural to natural होता तो ये function आपका 1 to 1 तो हो जाता, लेकिन ये on 2 नहीं होगा, ये हमें proof करना है। अगर यही function में यहाँ से बोल, ये हम continue कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमने रखा इस फंक्शन को, हमने एफ एफ एक्स टू एक्स रखा और फंक्शन है आपका नेचुरल टू नेचुरल, देखो वन टू वन देख रहे हैं, वन टू वन एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। अब आपने लिखा जैसे आपने कोई भी रेंज ले लिया टू टू, देखो उसका अगर तुम डोमेन देख तो अगर रेंज इक्वल है टू, हाफ ऑफ किया तो वन वन आ गया, तो वन सेम है, नहीं सेम रेंज के सेम डोमेन आ गया, फॉर इट इज वन। अब हमने ऑन टू देखा एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स हमारा जो रेंज है वो हमारा कोई भी नंबर है, हमने मान लिया टू एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स निकला वाई बाई टू, यानी नेचुरल का हाफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में। हाँ, अगर वो ये इवन नंबर है फोर तो भी नेचुरल आएगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई नंबर हुआ जैसे आपका फाइव है सेवन है तो उसका हाफ करेंगे 2.5, तो वो नेचुरल नहीं रहेगा, तो देयरफॉर एक वो डोमेन मतलब वो किसी की रेंज ही नहीं बन रहा है, तो एफ एक्स इक्वल इज नॉट इक्वल टू वाई ऐसे प्रूव हो गया, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। एन टू एन में, एन टू एन में ऑन टू नहीं है, लेकिन ये वन टू वन है इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं है। अब जैसे इसी की तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर एफ एक्स को हम बोले रियल टू रियल, दूसरी एग्जाम्पल है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर, तो ये ना ही आपका वन वन है ना ही ये ऑन टू, ये आपको चेक करके बताना है, ना इधर ये वन वन है नॉर ऑन टू। तो जैसे आपने रियल टू रियल लिया, सबसे पहले वन टू वन के लिए, वन टू वन के लिए क्या चेक करना है, सपोज हमने एज्यूम किया एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, विच आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, हमने रियल नंबर के दो कोई भी मेंबर है, अब उसको वन टू वन चेक किया। जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू में मैं बताता हूँ, जैसे आपने वन दिया, अब यहाँ ये हुआ एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, तो एक्स वन इज अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर प्लस माइनस, यानी एक्स वन एक्स टू या माइनस एक्स टू, दो नंबर पॉसिबल है, यानी एक्स वन दो डिफरेंट डोमेन हो गए, यानी एक्स वन का स्क्वायर या एक्स माइनस एक्स टू का स्क्वायर, यानी दो डिफरेंट डोमेन के सेम रेंज आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज एज एफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, ये प्रूव हो गया, देयरफॉर इट इज नॉट वन टू वन। ऑन टू देख लेते हैं, जैसे ऑन टू में हम आ जाएं, एफ एक्स इक्वल टू वाई हमें चेक करना है, रेंज में हम देख लेते हैं कि जैसे रेंज में हमने नेगेटिव नंबर लिए, नेगेटिव रियल नंबर इक्वल टू वाई, वाई है आपका स्क्वायर, तो नेगेटिव नंबर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, अगर नेगेटिव नंबर इज आर नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर
तो ऐसे नंबर आपके एफएक्स जो पूरा जो रेंज है वो पूरा वाई नहीं बन रहा, पूरा रियल नहीं बन रहा है, यानी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू होल रियल नंबर, यानी आपका जो एक्स स्क्वायर एफएक्स है वो पूरी तरह से इक्वल नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू व्हाट वी कॉल इट रियल नंबर, यानी एफएक्स इसका सबसेट हो रहा है, सो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, सो इट इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पर बाइजेक्टिव प्रूफ किया, ठीक, जैसे इसके अभी बाइजेक्टिव के लिए अभी आपको और इसके ऊपर मेरे को थ्योरी देनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैं एकदम से इसको घसीट नहीं सकता हूँ, मेरे को इसमें टाइम चाहिए, नेक्स्ट पीरियड में इसको मैं कंटिन्यू कराऊंगा, तो अभी आप यहाँ पर से आज प्रैक्टिस करो, वन वन क्या है, ऑन टू क्या है, बाइजेक्टिव क्या है, कोई भी एक एग्जांपल है जैसे टेक्स्ट बुक में, या इसके जो एग्जांपल्स हैं आप सिर्फ इसके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो, और 1.2 अभी बिल्कुल मत स्टार्ट करना जब तक आपको रियली इसके कंसेप्ट के बारे में एकदम 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं तो आप प्रैक्टिस करने बैठे एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा तो आपको ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो बेटर पहले इसके पहले अपने 1.1 पूरा टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पल कर लिए, और 1.2 में सिर्फ एग्जाम्पल्स करो, और फिर एग्जाम्पल्स को मैं पूरा समझाऊंगा, फिर एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए तब दूंगा जब एकदम क्लियर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, हाँ सर एकदम 100% समझ आ गया, देन आप इसको स्टार्ट करो। ठीक है, चल तब तक मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट, प्लीज़ अपने कैरियर के लिए सिंसियर हो जाओ, मेरे को आपके कैरियर से बढ़कर कुछ नहीं है, आप लोग कुछ बन जाओगी मैं बहुत खुश होऊंगा, या आप खुद भी अच्छे से कॉन्फिडेंट रहोगे। चलो बाय बेटा।